और उत्तर प्रदेश सरकार स्वास्थ्य महकमे को हाईटेक बनाने और अस्पतालों में बेहतर व्यवस्था प्रदान करने के लिए अरबों रुपए खर्च करती है और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ द्वारा बेहतर चिकित्सा व्यवस्था को लेकर अनेकों बार आदेश भी जारी हो चुके हैं। इतना ही नहीं, अस्पतालों में दी जा रही चिकित्सा व्यवस्था को परखने के लिए स्वास्थ्य मंत्री बृजेश पाठक द्वारा समय समय पर औचक निरीक्षण भी किया जाता है, लेकिन गोंडा जिला अस्पताल की व्यवस्था सुधरने का नाम नहीं ले रही है। सोई हुई व्यवस्था का यह मामला गोंडा जिला अस्पताल की है, जहां से हैरान कर देने वाली तस्वीरें भी सामने आई है। तस्वीर में मरीज के बेड पर बैठा हुआ कुत्ता कहीं और नहीं जिला अस्पताल के वार्ड का है, जहां मरीजों को एडमिट कर इसी पर लिटाया जाता है और इसी पर कुत्ता भी सो रहा है। हद तो तब हो जाती है जब वार्ड में मरीज के तीमारदारों को फर्श पर बैठना पड़ता है और कुत्ते आराम से मरीज के बेड पर आराम करते दिखाई देते हैं। वहीं दूसरी तस्वीर भी व्यवस्था की पोल खोलती हुई नजर आ रही है। यहां पर आने वाले मरीजों को अस्पताल की ओर से स्ट्रक्चर भी मुहैया नहीं कराया जाता है। ये दोनों तस्वीरें इस बात को बयां कर रही है कि अस्पतालों में मरीजों को किस प्रकार से चिकित्सा व्यवस्था दी जा रही है। वहीं इस पूरे मसले पर सीएमएस ने बताया है कि चौकीदार को कड़ी फटकार लगाते हुए स्पष्टीकरण मांगा गया है। साथ ही उन्होंने कहा कि यह तस्वीर दुर्भाग्यपूर्ण है और इस तरीके की व्यवस्था बर्दाश्त नहीं की जाएगी। आज सुबह जो है कार्यालय स्टार्ट होने के टाइम में मुझे सूचना मिली कि इस तरह का कोई न्यूज़ वायरल हो रहा है, तो हमने उसको पता लगाने का प्रयास किया। तो मेडिकल वार्ड में जो साइड में हमारा यहाँ पर 4-5 बेड लगे हुए हैं, वहाँ पे पता चला कि वहाँ कोई कुत्ता आकर खराब हो गया था, जिसका कि किसी ने वीडियो बना के वायरल किया है। उसके लिए वहाँ जो चौकीदार तैनात थे उनको हम लोगों ने उनको बुला करके डांटा भी कि किस परिस्थिति हुआ, उनको लिखित रूप से भी स्पष्टीकरण देने के लिए हमने लेटर जारी कर दिया है।